हम सभी के लाडले नेता भारत के प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्रीगण, विधानसभा के अध्यक्ष और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से और महाराष्ट्र की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वंदे भारत ट्रेन जो अपने आप में एक अजूबा है, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में इस प्रकार की ट्रेन चलेगी, इतनी तेजी से चलेगी, इतनी सफाई से चलेगी, इतना सुंदर उसका वातावरण होगा। ऐसी ट्रेन आज मुंबई से साई नगरी शिरडी तक साई बाबा का आशीर्वाद हमको मिले इसलिए, और दूसरी ट्रेन ये मुंबई से सोलापुर तक आई तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए, सिद्ध रामेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए, महाराष्ट्र की इष्ट देवता पांडुरंग विठल का आशीर्वाद लेने के लिए और श्री समर्थ का आशीर्वाद लेने के लिए ये ट्रेन महाराष्ट्र के भाविकों के लिए और प्रवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से इस बजट में रेलवे के लिए महाराष्ट्र को 13,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी आपने दिया, हमने कभी ये सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। 124 स्टेशन महाराष्ट्र के जिस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये तो एक आइकॉनिक स्टेशन के रूप में यहाँ पर डेवलप हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से नाना शंकर शेठ जी, जिन्होंने पहली ट्रेन चलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी आज के दिन मैं अभिवादन करता हूँ। और जैसे उनका नाम ये भारत के रेल के इतिहास में लिखा गया है, भारत के रेल के आधुनिकीकरण के इतिहास में एक ही नाम लिखा जाएगा और वो प्रधानमंत्री मोदी जी का लिखा जाएगा। मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।